हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आपका मेरे चैनल मैथ्स विद सेप्स में स्वागत है। मेरे चैनल पे जो है वो बीएससी और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। इसमें जो है हम करेंगे फील्ड थ्योरी। ठीक है, फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम ऑब्वियसली आप सब ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जानती भी होगी उनमें से। तो हम पहले उन जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनको सबसे पहले रिकॉल करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ जो है वो है रिंग। देखो ये जो होती है ना वो रिंग की नोटेशन होती है। नोटेशन में ही आपको दिख रहा है कि इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो डेफिनेटली दो होंगे। ये होगा एडिशन और ये होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब रिंग किसको बोलेंगे? देखो आर कोई मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिया, सेट नॉन एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। अगर एम्प्टी होगा तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, हम क्या दिखाएंगे। इसलिए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट आर लिया। मैं आर को रिंग कब बोलूंगी? ये ना कुछ एग्जियम्स सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहला एग्जियम क्या होगा? आर एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, आर एडिशन के रिस्पेक्ट में तो एबिलियन ग्रुप बनाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये एबिलियन ग्रुप बनाए। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई करेगा उसको अलग से बताई जाएंगी। लेकिन अभी हम अगर कोई कहे कि आर हमारे पास रिंग है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जो ट्रिवियली वो सेटिस्फाई करेगा, जिनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी, वो देखते हैं। जैसे इसने एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप बना दिया। अब देखो इसमें एसोसिएटिविटी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा होल्ड करेगी। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा होल्ड करेगी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो इसमें हमेशा होल्ड करेगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, वी हैव ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एंड सेकेंड क्या होगा? ए प्लस बी डॉट सी, या फिर इसी के उसमें लिख लेते हैं इसको भी हम, कि बी प्लस सी डॉट ए किसके इक्वल होगा? बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये था हमारा रिंग। अब देखो कुछ जैसे हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जब ग्रुप बनता है उसमें देखो हम एक इनवर्स प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, एक देखते हैं कि आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है कि नहीं उसमें। वो सेम चीज यहाँ पे भी होंगी, लेकिन जब भी रिंग के पास ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी ना मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तब वो अलग से हमें बताई जाएंगी। सबसे पहले देखो अगर इनवर्स है, मैं इसको इरेज करती हूँ फिर देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो रिंग है, जैसे ग्रुप के में एबिलियन ग्रुप बनता है, ऐसे ही एबिलियन कम्यूटेटिव कह लो या फिर एबिलियन रिंग कह लो, किसी भी रिंग को एबिलियन में का हम कब बोलेंगे? जब ए और बी, मैंने दो एलिमेंट लिए आर से, आर मेरी रिंग है इससे मैंने दो एलिमेंट लिए, जब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तब इसको मैं क्या बोलूंगी? कम्यूटेटिव रिंग। और ये चीज बताई जाएगी कि रिंग कम्यूटेटिव है या नहीं, वो अलग से लिखा जाएगा, तब हम ये लगाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी देखो यूनिटी, जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है ना उसको यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप होता है उसमें तो ये चीजें होल्ड करती है अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, बट यहाँ पे बताया जाएगा कि जो रिंग हम ले रहे हैं उसमें यूनिटी जाएगी या नहीं जाएगी। अगर लिखा है रिंग विद यूनिटी तो वन उसमें बिलोंग करेगा, और अगर लिखा है नहीं लिखा है तो दैट मीन्स वन उसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यूनिटी देखो, यूनिटी क्या होती है कि वन डॉट,
रिंग आर को मैं रिंग विद यूनिटी कब बोलूंगी, जब मैंने कोई एक एलिमेंट लिया आर से, अगर वो एलिमेंट ए डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट ए इज इक्वल टू ए हो रहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देन इस एलिमेंट वन को क्या बोलूंगी मैं, यूनिटी है किसकी, रिंग आर की। ठीक है, ये तो दो हो गए। अब देखो इनवर्स के लिए, इनवर्स में हम देखो इनवर्स में एक तो हम इनवर्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इनवर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे यूनिट, यूनिट। लेकिन यूनिट के लिए ना, यूनिट चेक करने के लिए कि रिंग यूनिट मतलब है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें आर रिंग लेनी होगी ना, वो लेनी होगी रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। उसके बाद ही आप देखोगे कि उस रिंग में यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इनवर्स मिल रहा है हमें। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। देखो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना क्यों जरूरी है, इनवर्स का मतलब क्या है कि ए डॉट बी करूं, ए कोई एलिमेंट लिया उसके लिए एक बी मिलना चाहिए हमें आर में, सच दैट ए डॉट बी क्या हो जाए, वन आ जाए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसके लिए रिंग का कम्यूटेटिव होना बहुत जरूरी है और ये यूनिटी का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये होती है यूनिट, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट्स, ये सारी चीजें हमें अलग से बताई जाएंगी। अब देखो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल कर रहे थे हम इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये देखो एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एक एबिलियन ग्रुप बनाता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी रिंग के लिए, कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड होनी चाहिए। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसमें एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड हो सकती है, कोई भी दो इंटीजर्स लो, देखो ये इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी, इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी के, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा इंटीजर्स में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। अब देखो कोई भी दो इंटीजर्स लो, ये इंटीजर्स दिया, अब इनको पहले ऐड करूं फिर मल्टीप्लाई करूं, या फिर दोनों को सेपरेटली ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करूं, सेम ही आएगा। सिमिलरली ये केस भी हो जाएगा, देखो ये प्रॉपर्टीज तो होल्ड हो गई, दैट मींस जेड ने क्या बना दी, रिंग तो बना दी। अब देखते हैं जेड कैसी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं, रिंग विद यूनिटी है या नहीं, इसमें यूनिट्स कौन कौन से एलिमेंट हो गए, अब वो चीज देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमने देखा एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। अब देखो हम चेक करेंगे कि इस जेड के पास जो यूनिटी होती है वो बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। अब जेड में वन तो बिलोंग करता है ना, क्योंकि इंटीजर्स होते क्या है, -3 -2 -1 0 1 2, देखो वन तो बिलोंग कर रहा है इसमें, दैट मीन्स ये रिंग तो है लेकिन रिंग विद यूनिटी है। अब उसके बाद देखो ये कम्यूटेटिव रिंग भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, में कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है, ये भी हो गया ये भी हो गया। थर्ड बचा कि इसके यूनिट्स कौन कौन से होंगे, यूनिट्स का मतलब क्या है कि कौन से एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस जेड में। अब देखो सिर्फ इसका इनवर्स मैं लूंगी, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, इसका इनवर्स लूंगी वो क्या आएगा, -1/3। देखो
माइनस थ्री का मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स ये होगा, बट ये तो जेड में बिलोंग ही नहीं करता। ऐसे देखो टू का इनवर्स क्या होगा, मैंने टू लिया, टू जेड में बिलोंग कर रहा है लेकिन 1/2 जेड में बिलोंग ही नहीं करता, तो ये भी यूनिट एलिमेंट्स नहीं होगा। तो यूनिट एलिमेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से होंगे, सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे यूनिट्स एलिमेंट, एक होगा वन एक होगा -1, सिर्फ यही दो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं जेड में। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। देखो अब हम ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेम देखो सेट ऑफ इंटीजर्स एबिलियन ग्रुप भी बनाता है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप बनाता है, तो उसकी वजह से एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी इसमें होल्ड हो जाते हैं। हम चेक करते हैं तीन प्रॉपर्टीज, ये कम्यूटेटिव होता है या नहीं, यूनिट इसमें बिलोंग करेगी कि नहीं, और यूनिट एलिमेंट इसमें कौन कौन सा होगा। देखो क्यू स्टार, क्यू स्टार का मतलब है कि क्यू -0 अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब एबिलियन ग्रुप बनाता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, हो गया वहां से ही। अब देखो अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्यू एबिलियन ग्रुप बनाएगा तो उसमें ये यूनिटी जो है वन, ये तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, तो वन तो डेफिनेटली उसमें बिलोंग करने वाला है, दैट मीन्स ये रिंग विद यूनिटी भी हो गई। अब देखो इसमें यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्यू में देखो अगर मैं लू टू बिलोंग कर रहा है क्यू में, तो 1/2 भी क्यू में बिलोंग करता है ना, -2 बिलोंग कर रहा है तो 1/-2 भी क्यू में बिलोंग करता है, तो इसके यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, कोई भी एलिमेंट लो एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट लो आप, वो उसका क्यू में इनवर्स जरूर मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्यू में इनवर्स कौन कौन से होंगे एक्सेप्ट जीरो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्यू आर यूनिट्स। ठीक है, सेम काम आप सेट ऑफ रियल्स में कर सकते हो, सेम काम आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कर सकते हो। आई होप आपको ये रिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो, अगर क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को फिर से देखिए शुरू से, क्लियर होना बहुत जरूरी है फिर थ्योरी समझने के लिए। उसके बाद सेकंड है हमारे पास फील्ड, फील्ड क्या होता है, देखो आपको पता भी होगा वैसे, इसमें हम क्या करते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, उस पर चेक करेंगे कि ये फील्ड होगा कि नहीं, और इसको हम जनरली जो इसकी नोटेशन होती है वो होती है एफ। ठीक है, उसी से डिनोट करेंगे हम भी। एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसको मैं फील्ड कब बोलूंगी, जब वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाए एबिलियन ग्रुप बनाए, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाए एबिलियन ग्रुप बनाए, और सी उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे फील्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो आप, क्यू बिलियन ग्रुप बनाता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के भी रिस्पेक्ट में, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड होते हैं। दूसरा हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें भी होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें भी होता है, लेकिन देखो जेड ना फील्ड नहीं होता, जेड फील्ड, लेकिन जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना वो फील्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कभी ग्रुप ही नहीं बनाते, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाते क्योंकि इनके पास ना तो इनवर्स होता किसी एलिमेंट का, ना इनके पास किसी एलिमेंट की वो, किसी भी एलिमेंट का इनके पास क्या नहीं होता इनवर्स नहीं होता, इस वजह से ये जेड जो है ग्रुप नहीं बनाता, इसलिए ये फील्ड भी नहीं होता। अब देखो आप फील्ड को जान चुके हो, इसी के बाद एक है सब फील्ड, आपने ग्रुप पढ़ा होगा उसमें सब ग्रुप होता था, वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा उसमें सब स्पेस होता था,
जो सब फील्ड है ना वो भी उन्हीं की तरह होता है, जैसे सब ग्रुप होता है, वेक्टर स्पेस होता है, उन्हीं के जैसे होता है। सब ग्रुप में हम क्या करते थे, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे ग्रुप का, फिर तो क्या चेक करते थे कि उसमें एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी या नहीं। इस तरह से हम उसको चेक करते थे कि वो जो हमने दो टेस्ट बनाए हुए थे, एक को बोलते थे हम वन स्टेप टेस्ट, एक को बोलते थे टू स्टेप टेस्ट, उसकी हेल्प से हम चेक करते थे कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट हमने किसी भी ग्रुप जी का लिया है ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो उसको हम क्या बोलते थे, अगर ग्रुप बना लेता था तो उसको हम बोलते थे कि सब ग्रुप है। इसमें एक कंडीशन और होती थी कि दोनों की बाइनरी सेम होनी चाहिए, जैसे जेड है अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, इसके जो सब ग्रुप्स है ना वो एन जेड टाइप के होते हैं। अब देखो जेड एन भी ग्रुप बनाता है लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों, देखो दोनों में बाइनरी सेम नहीं है। ये तभी होगा सब ग्रुप, ये इसका तभी बनता अगर यहाँ पे इन दोनों की बाइनरी सेम होती, बट इन दोनों की बाइनरी तो सेम नहीं है, दैट मीन्स ये इसका सब ग्रुप नहीं बन सकता। अब ऐसे ही क्या है, एक टर्म है सब फील्ड, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को, कोई मैंने के नॉन एम्प्टी सेट लिया एफ का, ठीक है, के नॉन एम्प्टी सेट लिया एफ का, इस के को मैं सब फील्ड कब बोलूंगी, जब ये के खुद भी एक फील्ड बनाएगा, ठीक है, जब ये के खुद भी एक फील्ड बनाएगा उसको मैं क्या बोलूंगी, सब फील्ड। जैसे अभी हमने देखा कि क्यू आर फील्ड बनाते हैं, क्यू और आर क्या करते हैं, फील्ड बनाते हैं। अब देखो क्यू जो है वो उसमें भी बाइनरी हम सेम ले लेते हैं, मतलब क्यू और आर में जो क्यू और आर दोनों फील्ड बनाते हैं, और क्यू सब फील्ड होता है आर का। सब फील्ड क्यों होता है, देखो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बनाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। इसमें तो देखो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड होते हैं, ये क्या होगा, सब फील्ड होगा आर का। ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ क्यू और आर दोनों सब फील्ड होंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। सब फील्ड कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस यही है कि इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो फील्ड बनाए, खुद भी एक फील्ड बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सब फील्ड कहते हैं। अब देखो इसी के जस्ट बाद एक टर्म और आती है, उसको बोलेंगे प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड, सॉरी सब फील्ड नहीं, प्राइम फील्ड। देखो प्राइम फील्ड क्या होती है, वो फील्ड जिसका कोई भी प्रॉपर फील्ड सब फील्ड ना हो। हमने फील्ड देख लिया क्या होता है, हमने सब फील्ड देख लिया क्या होता है, अब हम प्राइम फील्ड देखते हैं कि वो फील्ड जिसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, देखो जैसे सेट ऑफ रैशनल्स है क्यू, क्यू क्या होता है, हमने देखा कि क्यू फील्ड बनाता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। लेकिन देखो क्यू से छोटा कोई भी सबसेट जो प्रॉपर हो, प्रॉपर का मतलब ये नहीं होना चाहिए वो ट्रिवियल, और ना वो खुद क्यू हो, इन दोनों को छोड़ के इसका कोई भी ऐसा सबसेट हमें नहीं मिलता जो क्या बनाए, फील्ड बनाए। इस वजह से हम क्यू को क्या बोलते हैं, प्राइम फील्ड बोलते हैं। अब देखो फील्ड भी फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, दोनों होते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक देखो जेड पी, आपको पता होगा जेड पी क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, अंडर एडिशन भी बनाता है और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी बनाता है, तो ये भी एक प्राइम फील्ड ही होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं होता। तो जब भी आपके पास फाइनाइट प्राइम फील्ड होना, फाइनाइट प्राइम फील्ड वो आइसोमोर्फिक होगा इस जेड पी के,